दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब बटन दिया है, इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में इसके साइड में जो बेल का आइकॉन आपको दिख रहा है, इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोस का अलर्ट मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में नैऋत्य दिशा के बारे में बताऊंगा। नैऋत्य दिशा मतलब वास्तु का दक्षिण और पश्चिम दिशा का जो मध्य होता है, उसको नैऋत्य दिशा कहा जाता है। यह दिशा मुख्यतः जो घर का मुखिया रहता है उसके लिए अच्छी होती है। अगर यह दिशा आपके घर में अच्छे से है, कट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको इसके अच्छे फल मिलेंगे। अगर इसमें कुछ दोष है तो ये दोषों का आपके ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर घर का मुखिया इस दिशा में रहता है तो इस दिशा की एनर्जी उसको स्टेबिलिटी लाने में मदद करेगी, उसको प्रोग्रेस में मदद करेगी, उसका इनकम सोर्स भी अच्छा करेगी। यह दिशा जो रहती है उसमें दोष क्या क्या रहते हैं, इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए, इस दिशा में शौचालय नहीं होना चाहिए, रसोई घर नहीं होना चाहिए, कांटे के पौधे नहीं होना चाहिए, इस दिशा का कट या विस्तार या फिर दरवाजे खिड़कियां इस दिशा में नहीं होने चाहिए, प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार इस दिशा में नहीं होना चाहिए, भूमिगत जल टैंक या बोरवेल इस दिशा में निषिद्ध माना गया है, यह बहुत बड़ा वास्तु दोष है, ड्राइंग रूम भी इस दिशा में नहीं होनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर दोष आते हैं तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव होता है, ये जानिए। आपको फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज चालू हो जाएंगे, मतलब वित्तीय मुद्दे, व्यापार में कमी होगी, अप्रत्यक्षित और अवांछित व्यय होगा, आपका लोन बढ़ेगा, उस लोन को भुगतान करने के लिए आप असमर्थ होते जाएंगे या फिर आपको बहुत मुश्किलें आएंगी उसको रीपे करने में। उसके बाद में स्वास्थ्य के मुद्दे आएंगे, जैसे कि दुर्घटना, ज़्यादातर पैरों में चोट लगना है, इन दुर्घटनाओं में फ्रैक्चर हो सकता है, पक्षाघात विच्छेदन भी हो सकता है या गुर्दा संबंधी चिकित्सा की मुसीबतें भी हो सकती है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है, पति और पत्नी के संबंध बीच में लगातार झगड़े होते रहेंगे, उनके बीच अविश्वास और पति या पत्नी एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं और परिवार के बच्चे बुरी आदतों को लग सकते हैं, इसकी वजह से आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच सकती है, यह समस्याएं आपको हो सकती है। दोषों के प्रभाव को देखने के बाद अब ये समय समझने का है कि इन दोषों के उपचार कैसे करें ताकि इन दोषों के खराब प्रभाव को कम किया जा सके। याद रखो कि वास्तु दोष के प्रभाव कम कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से ये रेमेडीज मिटा नहीं सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दोष के वास्तु दोषों के उपाय, दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय होगा तो यहाँ पे शौचालय के बाहरी दीवार पर आपको पिरामिड्स लगाना है और यह दरवाज़ा जो है आपके शौचालय का उसको हमेशा बंद रखना है। अगर इस कॉर्नर में आपका किचन है तो किचन के अग्नेय भाग में, मतलब दक्षिण पूर्व भाग में आपको गैस स्टोव रखना है और दक्षिण पूर्व कमरे में, मतलब एक्चुअल जो आपके घर का अग्नेय कॉर्नर है, वहाँ पर आप कुछ छोटी सी एक लगाए स्टोव लगाए और उसके ऊपर कुछ तो चाय वगैरह करे तो वहाँ पे एक अग्नि का आप एनर्जी फील आएगा, तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। और नैऋत्य कॉर्नर में जो आपका किचन है उसको आप पीला रंग दे सकते हैं, उससे उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। रसोई घर के भीतर आप पानी कम उपयोग कीजिए, अगर आपका रसोई घर नैऋत्य में है तो बर्तन वगैरह धोने के लिए आप बाहर ही धोए, वह किचन में पानी जितना कम हो सकता है उतना कम इस्तेमाल करें। वहाँ पे ज़मीन का जो स्तर है वो स्तर बाकी रूम से ऊंचा कीजिए, उससे भी उसका प्रभाव अच्छा बढ़ेगा। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर कट है तो आपको सभी दिशाओं में, मतलब पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी दिशाओं में पिरामिड्स लगाने पड़ेंगे घर को। दक्षिण या पश्चिम मतलब नैऋत्य में प्रवेश या मुख्य द्वार है तो एक स्वस्तिक त्रिशूल और ओम दोनों तरफ बाहर घर के बाहर से मुख्य द्वार के ऊपर भी लगाना है। मुख्य दरवाजे के पास एक सिद्ध राहु यंत्र स्थापित करें और द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर दरवाजे के ऊपर लगाएं। अगर इस दिशा में आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर बोरवेल है तो इस पानी की टंकी के ऊपर आपको लाल रंग देना है। याद रखें ये केवल एक रेमेडी है,
अगर ये टैंक या बोर, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, इसको आपको यहाँ से स्थानांतरित करना ही पड़ेगा। उसकी सही जगह आपका उत्तर या उत्तर ईशान्य ये जगह है, वहाँ पे आपको इसको स्थानांतरित करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे राहु यंत्र स्थापित करें और पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर वो बोर या टाके की तरफ मुंह करके आप लगा सकते हैं। बड़े दरवाजे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब बटन दिया है, इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में इसके साइड में जो बेल का आइकॉन आपको दिख रहा है, इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोस का अलर्ट मिलता रहेगा।